यस बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 वेक्टर का। वेक्टर लेक्चर नंबर 6। ठीक हमारा वेक्टर का लेक्चर नंबर 6 है बच्चों। इसके अंदर आज हम बच्चों जो स्टार्ट करेंगे वो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट, इसका मतलब ये होता है बच्चों, वेक्टर जिनसे मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। बच्चों वेक्टर जिन से मिलकर बना होता है उनको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। क्लियर? अब मेरे पास देखो एक वेक्टर है, लेट अस सपोज अ वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अब कौन कौन से वेक्टर से ये मिलकर बना होगा? लेट अस सपोज ए वेक्टर से मिलकर बना होगा, हो सकता है बी वेक्टर भी हो। तो ये ऐसे दो वेक्टर से मिलकर ये रिजल्टेंट बना है। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है, एक वेक्टर ये वाला मिल गया, एक वेक्टर ये वाला मिल गया और एक वेक्टर ये वाला मिल गया, तो ये कौन सा बन गया? आर वेक्टर बन गया। यानी यहां पर जो आर वेक्टर होगा वो आर वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहां पर जो आर वेक्टर होगा वो क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यानी ये ऊपर वाला जो आर वेक्टर है ये मिलकर बना है ए वेक्टर और बी वेक्टर से, और इधर वाला आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से मिलकर बना है। यानी एक वेक्टर जो रिजल्टेंट जो बनता है वो नंबर ऑफ वेक्टर से मिलकर बन सकता है। क्लियर है ना? एक जो वेक्टर बनता है वो नंबर ऑफ वेक्टर से मिलकर बन सकता है। क्लियर? और दूसरी बात, जो इसका रिजल्टेंट होता है बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि ये वेक्टर जो है छोटे हो सकता है ये वेक्टर बड़ा हो, रिजल्टेंट छोटा भी हो सकता है। क्लियर है? तो आगे हम बात करते हैं इसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बच्चों, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। द्वारा फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो वेक्टर होते हैं जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना? अगर मैं लिख लूं, इफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स, इफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स इन वन पेयर, एक पेयर के अंदर जितने भी कॉम्पोनेंट्स होंगे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, देन दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बच्चों देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे है, जैसे कि मेरे पास एक वेक्टर है आर वेक्टर। ठीक है, मेरे पास एक आर वेक्टर है, इसके अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कंसीडर करूं तो मेरा जो ए वेक्टर होगा ये मेरा ए वेक्टर हो गया जो इस, और एक इसका है बी वेक्टर। ये आप अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देखोगे तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपस में ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। यानी आपस में ये इनके बीच में एंगल कितना बनना चाहिए बच्चों? 90 डिग्री का बनना चाहिए इनके बीच में एंगल, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री का। क्लियर है? यस। अब इसके बाद बच्चों आगे हम चलते हैं, आगे जब हम कर रहे हैं स्टेप्स टू फाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट।
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को पता करने के स्टेप्स जो होते हैं वो हमने कौन से फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप तो हमने फॉलो करना है पुट द टेल ऑफ वेक्टर ऑन द लाइन। सबसे पहला स्टेप है बच्चों, जो वेक्टर की टेल है लाइन उसको किसी भी लाइन पर ड्रॉ कर दो। जैसे एक वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर की टेल है, तो इस वेक्टर की टेल को किसी लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दो। अगर मेरे पास कोई वेक्टर ऐसे है तो इस वेक्टर की टेल कहाँ है, ये वाली, तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, वेक्टर की टेल पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। आप जैसे मर्जी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अगर वेक्टर ऐसे है तो आप लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हो और वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप। सेकंड स्टेप आपने बच्चों क्या फॉलो करना है, राइट डाउन सेकंड स्टेप। जो सेकंड स्टेप है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन लाइन, ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन लाइन फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर, फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन लाइन फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर। अब बच्चों हमने सेकेंड स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है, एक वेक्टर है उस पर मैंने सबसे पहला क्या करना है, एक टेल ड्रॉ कर देनी है, लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये कर दिया। दूसरा क्या कह रहा है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन लाइन। अब इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कहां से, हेड ऑफ द वेक्टर से। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया कहां से, हेड ऑफ द वेक्टर से, किस पर, लाइन पर। अब जो थर्ड स्टेप है बच्चों, वो आपने थर्ड स्टेप फॉलो करना है, नाउ ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर विद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, विद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड परपेंडिकुलर। अब क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड स्टेप में हमें क्या कह रहा है, कहता जो आपने सबसे पहला स्टेप क्या था, आपने किसी वेक्टर को ड्रॉ किया, दूसरा स्टेप क्या था, आपने उस वेक्टर को एक उसके टेल को लाइन पर ड्रॉ कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब तीसरा स्टेप कह रहा है, कहता इनको हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद इसकी टेल से लेकर इसके यहां तक, ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर विद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको हमने ज्वाइन कर लिया, इसको हमने अज्यूम कर लेना एक वेक्टर। इसी तरह फिर ये टेल से यहां तक इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, इसको हमने एक वेक्टर मान लेना। तो दीज टू आर द कंपोनेंट्स ऑफ, आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। इस आर वेक्टर के ये दो क्या हो गए बच्चों, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए। किसी को कोई डाउट है यहां तक, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने कैसे बनाने हैं, आपको समझ आ गया बच्चों। अब इसके बाद अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाना चाहता हूं, मान लो मेरे पास वेक्टर है कुछ ऐसा आर वेक्टर, ड्रॉ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करो बच्चों। तो स्टेप्स फॉलो करो, सबसे पहला स्टेप क्या होता था, इसकी टेल पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, सबसे पहला स्टेप कर दिया। दूसरा स्टेप क्या था, इसके हेड से एक वेक्टर ड्रॉ कर दो जो इस लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, कर दिया। तीसरा स्टेप क्या था, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको मिला दो तो एक वेक्टर बन गया, फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला दो फिर ये दूसरा वेक्टर बन गया। तो दीज आर टू आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। ठीक बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है आपको। इसी तरह और ड्रॉ करके दिखाओ मुझे, ये आर वेक्टर है, इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखते हैं कौन बच्चा ड्रॉ करता है, इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट।
अगर बच्चों हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं तो सबसे पहला काम एक लाइन ड्रॉ करो। कर दी लाइन ड्रॉ? यस, एक लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों। यस, अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था? इस लाइन पर वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको मिला दो। यहां टेल से स्टार्ट करना है, टेल से यहां तक मिला दिया, एक वेक्टर बन गया। फिर टेल से दोबारा स्टार्ट करके यहां पर एक दूसरा वेक्टर बन गया। तो दीज आर टू आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। वेरी गुड बच्चे। इसके बाद आर वेक्टर ऐसे है, फाइंड इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता करो बच्चों। अगर इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता करने हैं तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या था? एक लाइन ड्रॉ करो। मैं हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आप वर्टिकल भी कर सकते हो। वर्टिकल करके देखें इस बार। चलो इस बार वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। ड्रॉ कर दी वर्टिकल लाइन। क्लियर, वर्टिकल लाइन इस बार ड्रॉ कर दी हमने। दूसरा स्टेप क्या था? हमने हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, लाइन पर कर दिया। अब इनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाना था, टेल ऑफ वेक्टर से यहां तक एक वेक्टर, यहां से यहां तक दूसरा वेक्टर। कोई डाउट है आपको? देखो यहां तक क्लियर है पूरा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होप्सो सभी को बनाने आ गए बच्चों। मैं अब जो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बने हैं इसमें थोड़ा सा वन स्टेप आगे चल रहा हूं। तो वन स्टेप आगे चलेंगे तो उसके अंदर देखो हम क्या लिखेंगे। हमारे पास ये यहां तक आपको सारा क्लियर हो गया। अब मैं एक स्टेप आगे चल रहा हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो आप इस एंगल को लाइन के साथ वेक्टर का एंगल थीटा मान लिया करो। वेक्टर का लाइन के साथ एंगल क्या माना? थीटा। तो यू नो ये वाली साइड क्या हो जाएगी? एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? आर साइन थीटा। एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है? आर कॉस थीटा। ये कैसे आई? अभी हम कैलकुलेट करके बता देते हैं। देखो भाई, ये ओ ए बी सी ट्रायंगल हमने अज्यूम कर ली। मान लो ये मेरी एक्स है, ये मेरी वाई है। मैंने एक्स कैलकुलेट करना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। आर वेक्टर नहीं लिखना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अकेला आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू आर बच्चों कॉस थीटा। ये वाली साइड कैलकुलेट करनी है, इसको मैंने वाई माना। वाई अपॉन आर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है हमारे पास बच्चों? साइन थीटा। तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो याद रखना बच्चों हमेशा, तुम बस शॉर्टकट ही याद कर लो, एंगल के सामने वाला साइन, एंगल के साथ वाला कॉज। कौन के साथ? कॉज। अच्छा फिर इसमें बताओ कैसे कॉम्पोनेंट्स बनेंगे। ये मेरा एंगल, अगर लाइन और वेक्टर के साथ मैंने एंगल थीटा माना बस, तो ये बताओ ये कौन सी साइड होगी? एंगल के साथ वाला इसका साइन कंपोनेंट, एंगल के साथ वाला सॉरी एंगल के सामने वाला साइन और एंगल के साथ वाला कॉस कंपोनेंट। अच्छा इसका बताना फिर, ये एंगल थीटा है तो एंगल के साथ वाला कॉस, एंगल के सामने वाला साइन। इसका बताना फिर, ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल के सामने वाला साइन और एंगल के साथ वाला कॉस। क्लियर है बच्चों आपको? टफ तो नहीं हो रही चीजें, ये इजी है ना। इसके बाद आगे देखो हमारे पास एक चीज, मैं अगर आपको और बताऊं कि अगर ये आर साइन थीटा है, अगर ये r sin थीटा है बच्चों, तुम्हें पता है वेक्टर को हम पैरेलल भी शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर इसके पैरेलल वाला वेक्टर भी सेम होगा। ये वाला वेक्टर भी तो हमारे पास r sin थीटा ही होगा। यस, अगर ये r cos थीटा है तो ये वाला भी तो r cos थीटा होगा। हां जी बच्चों क्लियर। इसी तरह अगर ये r sin थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा? r sin थीटा होगा, और इसके पैरेलल वाला भी क्या होगा? r cos थीटा होगा।
बच्चों यहां पर बताओ, अगर ये आर कॉस थीटा है तो इसके पैरेलल वाला आर कॉस थीटा होगा, और ये आर साइन थीटा है तो इसके पैरेलल वाला भी आर साइन थीटा होगा। यस, देखो यहां तक क्लियर है आपको, समझ आ गया सभी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे बनाने हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बच्चों आपने एक बात याद रखनी है कि जो कंपोनेंट्स होंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, ये कंपोनेंट्स जो होंगे वो हमेशा वेक्टर से छोटे होंगे। जो कंपोनेंट्स होंगे वो हमेशा वेक्टर से छोटे होंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर स्पेशली, ठीक, यानी रिजल्टेंट हमेशा बड़ा होगा, इनमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमेशा छोटे होंगे। और इसके बाद आगे करते हैं हम। यस बच्चों, इसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे पास सरफेस जो होते हैं वो कैसे किस किस तरह के हो सकते हैं, ये कौन सा सरफेस होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक, ये मेरा होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, इस पर मैंने अगर एक कोई लाइन ड्रॉ कर दी तो ये आ गया वर्टिकल लाइन। ठीक, हॉरिजॉन्टल पर मैंने अगर ये इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और परपेंडिकुलर, ठीक, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। और मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर सरफेस मेरा ऐसा हुआ जैसे ब्रिज पर हम चढ़ते हैं ना, तो ये मेरा सरफेस हुआ, तो इस सरफेस के पैरेलल लाइन कौन सी होगी, इस सरफेस के पैरेलल वाला सरफेस ये वाला ही होगा ना, पैरेलल वाला, तो ये पैरेलल होगा, और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला होगा, इसका परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यस बच्चों, अगर सरफेस ऐसा हुआ तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे ही होगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम आगे कंपोनेंट्स करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ये एंगल थीटा है, ये सरफेस है ऐसे, और वेक्टर है कुछ ऐसे, ए वेक्टर। ठीक, अब मुझे इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बच्चों मैंने अगर इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने का क्या तरीका होगा, यहां पर अगर हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं तो हमें सबसे पहले तो इस पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो लाइन ड्रॉ कर दे सबसे पहले, तो ये वेक्टर ऐसे है, इसकी टेल पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, ये वाली। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था, इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, हेड ये है, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कहां पर हमने ड्रॉ करना है, लाइन, इस लाइन पर। अब ये परपेंडिकुलर थोड़ा ना है बच्चों, दिस इज नॉट द परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कैसा होता है देखो, दोबारा फिर ड्रॉ करते हैं हम, ये ए वेक्टर है, अब मैंने इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर कैसा बनेगा, इस लाइन से परपेंडिकुलर लो, यहाँ पर ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ है। अब इस लाइन के पॉइंट्स को मिला दें हम, यहां से यहां तक एक वेक्टर, यहां से यहां तक ये दूसरा वेक्टर, यानी इसके दो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। ठीक, इसके पैरेलल मैं ये वाला मान सकता हूं और इसके पैरेलल मैं ये वाला मान सकता हूं, क्लियर, और ड्रॉ करके दिखाओ। इसके बाद आप मुझे इसके बाद ड्रॉ करो, ये एंगल थीटा, ये वेक्टर ऐसे है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करो। यस बच्चों, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे,
ड्रॉ करो, ट्राई करो अपने आप, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सॉल्यूशन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर हमने इसके ड्रॉ करने हैं, ये मेरा ए वेक्टर है ऐसे, ठीक। अगर मैंने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करने हैं बच्चों, लाइन तो ड्रॉ हुई है सरफेस के, ये सरफेस दिया हुआ है तो यही लाइन माननी है हमने, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं ड्रॉ करनी फिर आपको। अब अगर ये लाइन है, इस लाइन पर मैंने इसके वेक्टर हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करूंगा इसका, इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसा नहीं बनेगा बच्चों, यही बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको मिला देता हूँ, ये मेरा एक वेक्टर हो गया, ये मेरा दूसरा वेक्टर हो गया, बताओ। तो ये दो इसके कंपोनेंट हो गए, और इस वेक्टर को मैं ये वेक्टर भी अज्यूम कर सकता हूँ कंपोनेंट, और इसका ये कंपोनेंट भी अज्यूम कर सकता हूँ, क्लियर। तो डाउट तो नहीं है आपको बच्चों, हाँ। और बच्चों यहां पर एंगल की बात करें तो एंगल क्या होगा, एंगल देखो, ये एंगल थीटा है ना, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक। अब जो हमें ये गिवन है, ये इसका इस लाइन का तो परपेंडिकुलर होगा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा। यस बच्चों, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ करके दिखाओ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आप मुझे, वेक्टर है कुछ ऐसे है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करो बच्चों। अगर मैंने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं, यहीं पर ड्रॉ कर दूं मैं, आपने अलग डायग्राम बनानी है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा हो गया। अब दूसरा काम क्या होता था, इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन पर, ये मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन पर, इस लाइन पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर ये हो गया, कोई डाउट है आपको यहां? देखो बच्चों, क्लियर है सारा, सिंपल है, अब आपको समझ लग गया। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो आप, ये सरफेस है मेरा ऐसा, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, लेकिन वेक्टर मुझे दिया हुआ कुछ ऐसे। अब बताओ क्या होंगे इस ए वेक्टर के दो पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कैसे करोगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? ये एक लाइन ड्रॉ की हुई है यहां पर बच्चों, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है, आप ध्यान से देखो, अगर इसका ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। अब इसके हेड से मैंने क्या करना है, लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कर दिया, तो एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, तो ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, ठीक है। अब एडिशन ऑफ वेक्टर कंपोनेंट्स, एडिशन ऑफ वेक्टर कंपोनेंट्स बच्चों, वेक्टर कंपोनेंट्स की एडिशन देखो कैसे करनी है हमने। अगर मेरे पास थ्री वेक्टर है, इस तरफ ही फोर वेक्टर है, आपको याद है रिजल्टेंट कितना होता था, सेवन वेक्टर। अगर इस तरफ मेरे पास फोर वेक्टर है, इस तरफ मेरे पास थ्री वेक्टर है, तो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होता था, याद है ना आपको, फोर माइनस थ्री दैट इज वन वेक्टर। अगर मेरे पास इस तरफ थ्री वेक्टर है और इस तरफ फोर वेक्टर है, तो याद है आपको रिजल्टेंट कितना होता था, थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर का होल रूट, ठीक। फोर रूट टू मीटर इधर हो गया फाइव मीटर, मेरे पास ये एंगल हो गया 45 डिग्री और ये एंगल हो गया 37 डिग्री।
ड्रॉ इट्स वेक्टर कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स इसके ड्रॉ करो। यस, इसके वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होंगे? इसके मैंने इसके वेक्टर कंपोनेंट्स बच्चों ड्रॉ करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये एक वेक्टर है 5 मीटर इस तरफ और ये दूसरा वेक्टर है 4√2 मीटर, ये 45 डिग्री। पहले किसी भी एक को सॉल्व करो, अब इसको भूल जाओ, वेक्टर को, इस वेक्टर को सॉल्व करो। अगर मैं इस वेक्टर को सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, इस वेक्टर में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होंगे? अब तो वो आपको बनाने आते हैं। सीधा लाइन बनी हुई है, बस यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक ये बन गया, ये दो क्या हो गए, एक ये और एक ये दो क्या हो गए, हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए बच्चों। ये वाली एंगल कितनी, ये वाली साइड कितनी होगी, 4√2 sin 45, एंगल के सामने वाला साइन, और ये वाला क्या होगा, 4√2 cos 45। इसको लिख सकता हूँ 4√2 cos 45 1/√2 होता है, रूट टू से रूट टू खत्म हो गया, 4 बच गया। 4√2 1/√2 होता है, रूट टू से रूट टू कट गया, 4 बच गया। क्लियर है यहां तक? हाँ जी बच्चों, ओके। इसी तरह इस 5 मीटर एंगल कितना बना रहा है, 37। अब इसके कंपोनेंट देखो, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो तो अब आपको बनाने आते होंगे। सीधा यहाँ हेड से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करता कर दिया ऑनलाइन, तो ये दो वेक्टर बन गए। अब बच्चों एंगल के सामने वाला कौन सा होता है, साइन, साइन 37 किसका, 5 का, ये 5 cos 37, साइन 5 37 होता है 3/5, तो ये कट गया, 3 आ गया, 5 cos 37 4/5 से 5 कट गया, तो ये आ गया 4। क्लियर है बच्चों? अब आप ये देखो, हॉरिजॉन्टल जब भी आपने किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले लिए, जब भी आपने किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले लिए, अब देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे इस तरफ कितने हैं, हॉरिजॉन्टल में कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, आप ड्रॉ करो। हॉरिजॉन्टल में मेरे पास एक तो 4 है, ये 4 है, ये इधर कितना है, ये भी 4 है। वर्टिकल में ऊपर वाली साइड में एक मेरे पास कितना है, 4, और दूसरा कितना है, 3। ऊपर वाली साइड में 4 भी है, 3 भी है, सेम डायरेक्शन वाले हैं बच्चों। ऊपर वाली साइड में कितने हैं, 4 3, और इधर कितने हैं, 4 4। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तुम्हें पता, सेम डायरेक्शन वालों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ये तो हो गया 7। ऑपोजिट वालों को क्या कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 4 - 4 0, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा बच्चों बन गया वो 7 मीटर का अपवर्ड डायरेक्शन में बन गया। दिस इज योर आंसर। इसी तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, ये 5 है, ये भी 5 है, ये एंगल 37 बना रहा है और ये एंगल भी 37 बना रहा है, ठीक। सॉल्यूशन करो इसका, इन दोनों का। अगर मैं इन दोनों का सॉल्यूशन करता हूं तो बच्चों सबसे पहले तो मैं एक वेक्टर को भूल जाऊं, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिख लूं। इनके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो ये होता है और एक ये होगा, ये तो आपको पता ही है। ये कितना होगा, 5 cos 37, ये होगा 5 sin 37, 5 sin 37 होता है 3/5, 5 से 5 कट गया, ये 3 बच गया, ये 5 cos 37 4/5 से ये 4 बच गया। क्लियर है बच्चों यहां तक? इसके बाद ये 5 है, अब इसके भी दो कंपोनेंट्स हम बना ले। इसके दो कंपोनेंट्स कब बना लेंगे, एक ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये एंगल 90 का है, तो अब ये 5 एंगल के सामने वाला क्या होता है, 5 cos 37, ये क्या हो गया, 5 sin 30 sorry, एंगल, हाँ एंगल के साथ वाला cos होता है बच्चों, एंगल के साथ वाला cos और एंगल के सामने वाला क्या होता है, sin, तो ये हमारा हो जाएगा sin, तो ऊपर वाला क्या बन गया, 5 sin 37, 5 sin 37 कितना होता है, मैंने आपको ये लिखवाया हुआ है 3/5, तो ये 3, 5 cos 37 होता है 4/5,
5 से 5 कट गया तो ये आ गया 4। अब बच्चों कौन कौन से कंपोनेंट बच गए, मेरे पास वर्टिकल में इधर 4 है, हॉरिजॉन्टल में 4 है एक तो, और हॉरिजॉन्टल में इस तरफ कितना है 3। वर्टिकल में मेरे पास बच्चों ऊपर को है एक, ऊपर को बच्चों मेरे पास है एक 3, यस बच्चों ऊपर को मेरे पास एक है 3, और दूसरा जो है वो मेरे पास है, ये भी ऊपर को ही है ना, ऐसे है ये वाला वेक्टर भी ऊपर को ही है, ऊपर को ये वाला है 4, 3 और 4 ऊपर को है और 4 3 इस तरफ है। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा 7, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ये भी हो जाएगा 7, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। अब बच्चों आपको ये पता लग गया अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर है तो उनका नेट रिजल्टेंट मैंने तो बताया हुआ है, अगर दो वेक्टर 7 7 के 90 पर हो तो नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, हाँ जी रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते चले आ गया। इसी तरह अब आपने आगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमें करके दिखाने हैं। इसके बाद बच्चों सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपने करने हैं, हमारे पास क्वेश्चन है ये ऐसे सरफेस हैं, एक वेक्टर 5 इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर 5 इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर 2 इस डायरेक्शन में है, ये आपस में ये तो एंगल 90 का है और ये एंगल बन रहा है 37 और ये एंगल भी बन रहा है 37। बच्चे मैंने आपको बताया हुआ ना साइन 37 होता है 3/5, साइन 53 होता है 4/5, कॉस 37 होता है 4/5, cos 53 होता है 3/5, ये चार वैल्यूज यार लर्न करनी है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। अब आप करके दिखाओ इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसी में कर दूं मैं सॉल्व, एक बार आप ट्राई कर लो फिर मैं इसको खुद करके आपको दिखाता हूँ। यस बच्चों करें इसको सॉल्व। अब 5 है, 5 के कंपोनेंट बन गए, और कौन कौन से कंपोनेंट बन गए, एक तो ये कंपोनेंट बन गया, इसको बोलेंगे 5 cos 37, और एक ये कंपोनेंट बन गया, ये हो गया 5 sin 37, 5 cos 37 होता है हमारा 4/5, तो ये 4 आ गया, 5 sin 37 होता है 3/5, तो ये आ गया 3, इसके बोलो इसका आ जाएगा 5 cos 37, तो 5 cos 37 होता है हमारे पास बच्चों 4/5, तो ये बन गया 4। अब इस 5 का इधर को, सॉरी इधर को, ये दूसरा कंपोनेंट 5 sin 37, यानी 5 sin 37 जो होता है 3/5, तो ये आ गया 3। अब बच्चों इसके कंपोनेंट्स देखो कौन कौन से होंगे, कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, एक तो 2 तो इधर को एज इट इज है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में इधर को कोई बना, हॉरिजॉन्टल में बना एक 4 बना है, ये वाला 4, और एक ये वाला भी बना है, ये वाला इस वेक्टर का है और ये वाला इस वेक्टर का, इस वेक्टर का कितना बना इधर 3, वर्टिकल में इस वेक्टर का ऊपर को कितना बना 3, इस वेक्टर का वर्टिकल में नीचे को बना कितना 4, सॉरी दोबारा फिर देखो एक बार, ये वेक्टर 2 है, ये वेक्टर हमारे पास 5 है, 5 के दो कंपोनेंट बने एक 4 और एक 3, 5 के दो लिख लिए एक 4 और एक 3, इस 5 के भी दो बन रहे हैं, एक नीचे को और एक इधर को, मैंने इस 5 के दो लिख लिए, एक नीचे को कितना है 4 और इस 5 का हॉरिजॉन्टल में कितना है 3। अब बच्चों ये 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, है ना। अब देखो इसके अंदर
हमने फोर में से थ्री माइनस करना है वन, वो किधर बचेगा? ऑब्वियसली जिस पे जिस तरफ ज्यादा है फोर की तरफ बचेगा, तो ये नीचे को वन बच गया इसका एक, इधर को सेवन बच गया और इस तरफ कितना बच गया टू। सेवन में से टू माइनस करे तो कितना बच जाएगा फाइव, तो इस तरफ मेरे पास आ जाएगा फाइव और नीचे को मेरे पास कितना आ गया वन। बच्चों अगर ये फाइव है ये वन है तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा? यस, जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा? तो ये दोनों एंगल 90 का बना रहे हैं तो रिजल्टेंट कितना होगा? 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर का होल रूट, तो 25 प्लस 1 ये रूट 26 आ गया। ठीक है बच्चों, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताया। अगर रिजल्टेंट की डायरेक्शन पूछता है तो आप डायरेक्शन भी बता सकते हो, ये एंगल थीटा मान सकते हो। टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारे पास? डायरेक्शन का फॉर्मूला आपको पता है ना, डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते थे? अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो क्यू बी अपॉन ए होता था, बी अपॉन ए। बी कितना है वन, ए कितना है tan alpha is equal to 1 upon 5, tan theta मान लो चाहे alpha मान लो तो tan alpha perpendicular upon base, अगर दो perpendicular vector होते थे। ठीक है ना, यहां तक क्लियर आपको? आगे चले, इसके बाद बच्चों vector rectangular components की addition हम करेंगे। rectangular component में हमारे पास बच्चों दो vector हैं, let us suppose रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर 2i कैप 3j कैप और दूसरा वेक्टर है 3i कैप j कैप। ठीक है, अब अगर हमने इसको सॉल्व करना है रेक्टेंगुलर में, इनको प्लस करना है, अगर मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है तो बच्चों समझो इसको हमने प्लस कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं ए वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं। अगर मैं ए वेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूं तो देखो, ए वेक्टर 2i कैप का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है बच्चों ये 2i कैप। ठीक है, 3j का मतलब क्या है, ये वाई एक्सिस के अलोंग कितना है 3, ये एक्स एक्सिस है ये वाई है और ये हमारा जेड होता है। इसी तरह बच्चों अगर ये बी वेक्टर है 3i, बी वेक्टर अगर 3i है तो इसका मतलब ये जो है 3 है किसके अलोंग, i के अलोंग, और j के आगे कितना है कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो y एक्सिस के अलोंग कितना है ये 1 है, तो आप इनको ऐड कर सकते हो, ये 5 हो गया और ये कितना आ गया बच्चों 4 हो गया, तो ये वेक्टर कितना बन जाएगा इनका रिजल्टेंट, ए वेक्टर बी वेक्टर, हाँ जी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जब हमने प्लस किया तो 5 एक्स के अलोंग क्या होता है आई, वाई के अलोंग क्या हो जाएगा जे। यानी आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला जब भी हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड करना है तो आई में आई के कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, जे में जे के कंपोनेंट्स ऐड करने हैं। ठीक, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसके साथ का, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। a वेक्टर 2i कैप 3j कैप 4k कैप, b वेक्टर 3i कैप 4j कैप 5k कैप, a वेक्टर प्लस b वेक्टर बताओ कितना हो जाएगा, i में i प्लस किया, j में j प्लस किया, k में k प्लस किया, ये आंसर आ गया। अगर a वेक्टर i कैप j कैप माइनस 2k कैप है, b वेक्टर मेरे पास है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, क्वेश्चन है अब बच्चों, अब क्वेश्चन है मेरे पास a वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप और b वेक्टर मेरे पास दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। आपने पता करना है 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ये आपने पता करना है। 2a वेक्टर कितना है i कैप j कैप माइनस 2k कैप, b वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2i 2j
फोर के, सिक्स आई माइनस माइनस प्लस थ्री जे माइनस थ्री के, ये कितना बनेगा माइनस फोर आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस सेवन के कैप। ठीक है, ये ने पता कर लिया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक बच्चों? इसके बाद हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। इसके बाद अगर मेरे पास बच्चों वेक्टर है ए वेक्टर सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी पता करना है एंड डायरेक्शन भी पता करनी है। तो देखो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो आपको आता ही है पता करना, बहुत पहले कर चुके हैं। आई के कोफिशियंट का स्क्वायर कर दो, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर कर दो, होल रूट कर दो, 36, 64, तो ये आ गया 110 आ गया। ठीक है, ये तो हमारे पास बच्चों मैग्नीट्यूड आ गया। अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो आपने डायरेक्शन जो देखनी है, यहां पर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस, यहां पर ड्रॉ करो वाई एक्सिस। हमारे पास सबसे पहले तो सिक्स है, वो किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग सिक्स है, सिक्स आई, और वाई एक्सिस के अलोंग माइनस एट जे। ऊपर प्लस जे होता है, नीचे होता है बच्चों माइनस जे, तो नीचे कितना है ये माइनस एट जे। ठीक है, इधर होगा ना माइनस का मतलब। अब ये दो वेक्टर है, यानी दोनों की किस एंगल पर हो गए, 90 पर हो गए। अब इनकी डायरेक्शन पता करनी है, यानी हमने एंगल पता करना है। रिजल्टेंट तो कितना है, वो तो हमने निकाल लिया 10। रिजल्टेंट के साथ एंगल कितना बनता होता है, अल्फा। अब बच्चों रिजल्टेंट अगर दो वेक्टर 90 पर हो, अगर दो वेक्टर 90 पर हो तो उनकी डायरेक्शन निकालनी है टेन अल्फा। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कितना है 8, बेस कितना है 6, 3, 4, तो tan अल्फा आ गया 4/3। यस बच्चों, क्लियर है यहां तक आपको, समझ आ गई क्वेश्चंस? और क्वेश्चन करें ट्राई, लो बच्चों और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन है, अब आपको ये पता चल गया कोई भी जो वेक्टर है आर वेक्टर है, अगर वो एंगल थीटा बना रहा है तो ये इसका आर कॉस कंपोनेंट होगा और ये इसका आर साइन कंपोनेंट होगा। ये तो आपको पता लग गया ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं, अ फोर्स एफ हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 15 न्यूटन direction of force at 37 from negative x-axis towards positive y-axis. Represents F in terms of I and J, F को I and J की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। F को I and J की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। बच्चों देखो, F वेक्टर है, कितना है F वेक्टर हमारे पास, 15 न्यूटन है, 37 डिग्री एंगल बना रहा है X एक्सिस टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, X एक्सिस, ये नेगेटिव X एक्सिस होता है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस से किस तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, कितना एंगल बना रहा है 37, ऐसे ही है कुछ। तो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 15 कॉस 37, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 15 साइन 37। ये दोनों इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए बच्चों। 15 कॉस 37 यानी 4/5 कट के आ गया ये 12, ये आ जाएगा 15 साइन 37 बाय 15 3/5 ये आ गया 9। यानी मेरे पास बच्चों इस तरफ जो वेक्टर आया, अगर मैं बात करूं इस तरफ वेक्टर आ गया मेरे पास एक, एक मेरे पास आ गया
परपेंडिकुलर में, एक मेरे पास कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। इस तरफ जो मेरे पास वेक्टर आया x के अलोंग आया 12 और परपेंडिकुलर में आया 9, ये 12 आया और ये कितना आ गया 9, ठीक। तो मैं इसको बच्चों क्या लिख सकता हूं, ये वाला जो वेक्टर होगा मेरा, ये मेरा 15 था, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट आ गए, एक 12 और एक 9। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये 12 आई कैप x एक्सिस नेगेटिव में है तो माइनस का हो गया, प्लस ऊपर को क्या बन गया 9, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। यस बच्चों यहां तक देखो क्लियर है। और लास्ट कैटेगरी हम कर लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अ फोर्स 8 न्यूटन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 degree विद द हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मेक्स एन एंगल 45 degree विद द हॉरिजॉन्टल। एक फोर्स है हमारे पास, कहता 8 न्यूटन है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा 45 degree, तो इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट पता करने हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, 8 sin cos 45, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 8 sin 45। तो 8 sin 45 1/√2, 8 cos 45 1/√2, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया ये, और ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, ठीक। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।